फरिश्ते किस घर की छत पर आकर खेमा लगाते हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए रोजेदार की, बी सदका देने वाले की, सी हज करने वाले की, डी जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत होती है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत होती है उस घर की छत पर फरिश्ते आकर खेमा लगाते हैं। सवाल नंबर दो, किस चीज़ को पीने वाले को पहलवान और बहादुर कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए खून, बी शराब, सी गुस्सा, डी दूध। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, गुस्सा पीने वाले को पहलवान और बहादुर कहते हैं। सवाल नंबर तीन, हजरते नूह अलैहिस्सलाम की कौम कितने बुतों की पूजा करती थी? आपके ऑप्शन है ये, ए तीन, बी पाँच, सी सात, डी आठ। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पांच बुतों की पूजा करती थी। सवाल नंबर चार, किस कौम के लोग पहाड़ के पत्थरों को हाथों से तोड़ देते थे? आपके ऑप्शन है ये, ए कौम आद, बी कौम समूद, सी कौम लूत, डी बनी इसराइल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, कौम आद के लोग पहाड़ के पत्थरों को हाथों से तोड़ देते थे। सवाल नंबर पाँच, कुरान मजीद में जन्नत का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये, ए 120 मर्तबा, बी 140 मर्तबा, सी 160 मर्तबा, डी 180 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, कुरान मजीद में जन्नत का जिक्र 140 मर्तबा आया है। सवाल नंबर छः, कौन सी जंग में हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे? आपके ऑप्शन है ये, ए जंगे खैबर, बी जंगे उहूद, सी जंगे खंदक, डी जंगे बदर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जंगे उहूद में हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे। सवाल नंबर सात, जिन्नात कहाँ नमाज पढ़ते हैं? आपके ऑप्शन है ये, ए पानी में, बी घास में, सी पहाड़ों पे, डी हवा में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जिन्नात घास में नमाज पढ़ते हैं। सवाल नंबर आठ, कौन से नबी की कौम पत्थर बन गई थी? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पत्थर बन गई थी। सवाल नंबर नौ, सबसे पहले मिसवाक कौन से नबी ने किया था? आपके ऑप्शन है ये, ए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हजरत लूत अलैहिस्सलाम, डी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब।
सही जवाब है डी। सबसे पहले मिसवाक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था। सवाल नंबर 10, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से किस जगह पर नाजिल होंगे? आपके ऑप्शन हैं ये, ए कूफा, बी जद्दा, सी दमिश्क, डी यमन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दमिश्क में नाजिल होंगे। सवाल नंबर 11, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाला खाना कितने लोग खाते थे? आपके ऑप्शन हैं ये, ए 2000, बी 3000, सी 4000, डी 7000। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाला खाना 4000 लोग खाते थे। सवाल नंबर 12, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा का क्या नाम था? आपके ऑप्शन हैं ये, ए आमना, बी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, सी राहिल बिनते लाबान, डी सुबीना बिनते शम्स। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम राहिल बिनते लाबान था। सवाल नंबर 13, सुन्नत और नफिल नमाज कहाँ पढ़ना बेहतर है? आपके ऑप्शन हैं ये, ए मदरसे में, बी घर में, सी जंगलों में, डी पहाड़ों पर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, सुन्नत और नफिल नमाज घर में पढ़ना बेहतर है। सवाल नंबर 14, कौन से नबी ने अपने मामू की 4 बेटियों से शादी की थी? आपके ऑप्शन हैं ये, ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू की 4 बेटियों से शादी की थी। सवाल नंबर 15, बीवी की ये दो गलतियां सोहर को भिखारी बना देती हैं। नंबर 1, सुबह को देर तक सोने वाली औरत, जो औरत सुबह को सूरज निकलने के बाद उठती है, नमाज भी छोड़ देती है, ऐसी औरत से अल्लाह सख्त नफरत करता है और उसके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते और गरीबी हमेशा बनी रहती है। नंबर 2, जबान दराज औरत, जो औरत हमेशा पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से बिना बात लड़ती रहती है, अपनी कड़वी जबान से दूसरों का दिल दुखाती है, उस औरत का घर भी कभी आबाद नहीं होता बल्कि बर्बाद हो जाता है। क्या बाथरूम में वजू होता है? हाँ, बाथरूम में वजू हो सकता है। बाथरूम होता है गुस्ल लेने के लिए, वहां वजू भी हो सकता है। इवन अगर अटैच टॉयलेट बाथरूम हो, टॉयलेट अलग हो, ठीक है, और बाथरूम अलग हो, तो वहां भी वजू औरत कर सकती है। तो वजू बहरहाल जो है कहीं भी हो सकता है, बस पाक साफ जगह हो, और पानी अगर गिर के छींटे उड़ते हैं तो नीचे कुछ गिलाजत ना हो ताकि छींटे उड़ के आप पे ना है, तो बस ऐसी जगह आप वजू बहरहाल कर सकते हैं। तो औरत बाथरूम में कर सकती है, और इसी तरह अटैच अगर हो तो उसमें भी, अगर बाथरूम वाला हिस्सा, उसमें बहरहाल वजू हो सकता है, इसमें कोई कबाती या कोई बुराई नहीं।